Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर था 6 सब्सिडरी बुक्स। आज सब्सिडरी बुक्स का आपका लेक्चर नंबर है 5th। लेक्चर नंबर 5 आपको देखना है टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 8। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने स्कूल में से ऐसा पैम्पलेट दिया है। यदि पैम्पलेट नहीं है तो टेक्स्ट बुक में देखिए, दो में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो भी पेज नंबर हो, एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर आपको देखना है 7 एंड बाद में देखना है एग्जांपल नंबर 8। सबसे पहले 7th एग्जांपल देखिए। आज के लेक्चर में हम दो एग्जांपल यहां पे कंप्लीट कर देंगे, मगर एग्जाम में इससे एग्जांपल छोटा होगा। एग्जाम का भी एक आध दो एग्जांपल बाद में यदि टाइम रहेगा तो मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7th में आपको क्या करना है वो देखिए। एग्जांपल नंबर 7th में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स को इन बुक्स ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर, हु इज एन आयरन ट्रेडर। आयरन ट्रेडर है मिस्टर प्रभात। याद रखो, आपको बनानी है सेल्स बुक। इन केस ऑफ सेल्स बुक मैंने पहले थियरी में एक बार बताया था, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। याद रखो, ओनली क्रेडिट सेल्स एंड ओबी सेल ऑफ गुड्स। एसेट का सेल्स करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश सेल्स होगा तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ओनली क्रेडिट सेल्स एंड सेल ऑफ गुड्स। सेकंड कंडीशन आपको याद रखनी थी, इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको रिकॉर्ड करना है। एंड लास्ट वन, इफ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कैश एंड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट। सम पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर कैश है, सम पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट है, तो आपको क्या करना है, इट इज एज्यूम दैट फुल ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो पूरा ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट एजम्पशन करने के बाद सेल्स बुक में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं, 2015 जून 1st गुड्स सोल्ड ₹20,000 टू नेहा ऑन 3 months क्रेडिट। याद रखो, गुड्स है एंड सेल्स है एंड क्रेडिट सेल्स है। बिल नंबर 87, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखते ही जाता हूँ 2000 कौन सा है 15 जस्ट 15 जून 1st मैंने सेल्स किया। यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम यहाँ पे आना चाहिए। किसको मैंने बेचा है, नेहा को। यस, नेहा एकम, नेहा एकम। बिल नंबर यदि है, इनवॉइस नंबर है, तो आपको लिखना है यस है 80। कितने का गुड्स आपने बेचा है, 20,000। यदि ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, नहीं है तो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 20,000। बस ये ट्रांजेक्शन हो गया। अगेन 8th को क्या है, गुड्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू विदी स्टोर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड सेंड बिल नंबर 85 विथ कैरेज ₹400। याद रखो, कैरेज आपको लिखना है यहाँ पे नहीं, वो जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी कैरेज की। इट मींस यहाँ पे मैं लिखूंगा 8th को, इसको मैंने माल बेचा है विदी स्टोर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे विदी स्टोर्स, विदी स्टोर्स अकाउंट। यदि बिल नंबर दिया है, यस है बिल नंबर 85। अगेन कितना गुड्स हमने बेचा है, 10,000 में से 5% इज ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखिए 10,000 माइनस 5% टीडी, यानी कि 500 आपको करना है लेस। नेट फिगर होगी 9500, यहाँ पे हम लिखेंगे 9500 और नीचे नोट में आपको लिखना पड़ेगा ऑन जून 8
कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स रुपीज 500 इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपको यहां पे लिखना है नोट नंबर 1 में जो मैं बोला वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन अगेन 12th को कौन सा ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000, नेम ऑफ कस्टमर इज नॉट गिवन, इट मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होने वाला, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नोट नंबर 2। मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना है और आपको लिखना भी है, तो नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे जून 12th सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन 15th को क्या है, सोल्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 3,000 टू क्रीमा, मैंने क्रीमा को मशीनरी बेची है, एक गुड्स नहीं है, सेल ऑफ एसेट है, तो अगेन आपको यहाँ पे नोट नंबर 3 लिखना पड़ेगा। ऑन जून 15th सेल ऑफ मशीनरी टू क्रीमा इज नॉट रिकॉर्ड बिकॉज इट इज सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट वन अगेन 23rd देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू शिमोली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ अमाउंट इमीडिएटली पेड बाय शिमोली बिल नंबर 90, हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड, इट मींस हमको क्या एसम्पशन करना पड़ेगा, फुल अमाउंट फुल ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे 23rd को, नेम कौन सा है, श्रीमोली सिमोली श्रीमोली अकाउंट, बिल नंबर इज गिवन 90, तो इनवॉइस नंबर आपको लिखना है 90, कितने का गुड्स हमने बेचा है 15,000 का गुड्स है, तो 15,000 लेस है 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 1500 आपको करना है लेस, ये हो जाएगा 13,500, यहाँ पे हम लिखेंगे 13,500। नेक्स्ट वन 23rd के बाद 28, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 टू रिद्धि एट 10% कैश डिस्काउंट ऑन कैश, तो अगेन आपको नीचे नोट में लिखना पड़ेगा डेटेड 28th सेल फॉर कैश कैश सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। नेक्स्ट वन 29th को मीत प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स रुपीज 15,000, ये भी ऑर्डर मिला है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा डेटेड 29th नॉन इकोनॉमी ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा आपको सब लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन अगेन 30th सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 टू विराज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट बिल नंबर 95, यस ये क्रेडिट सेल्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स डेटेड है 30, इसको हमने भी गुड्स बेचा है, नेम इज गिवन ब्रज, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रज अकाउंट, इनवॉइस नंबर दैट इज बिल नंबर 95 दिया है, अमाउंट इज गिवन 30,000 में से आपको लेस करना पड़ेगा 10% यानी के 3,000 रिकॉर्ड होगा 27,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27,000, ये टोटल आपको करना पड़ेगा, टोटल होगा 27 प्लस 13 यानी के 40 प्लस 10 50 प्लस 20 70,000, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स, ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया कम्प्लीट। मगर यदि यहाँ पे आप नोट नहीं लिखते तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 3 में से, मगर 3 मार्क्स का एग्जाम्पल में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉल्यूमनर एग्जाम्पल है, कॉल्यूमनर कैश सेल्स बुक, यहाँ पे देखिए कॉल्यूमनर सेल्स बुक्स में कॉटन खादी एंड सिल्क 3 कॉलम इज गिवन, तो फर्स्ट वन नितिन स्टोर्स बिल इन क्लॉथ,
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर, क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर कॉल्यूमनर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ नितिन स्टोर. नितिन स्टोर डील्स इन थ्री टाइप ऑफ क्लॉथ, नेमली कॉटन, खादी एंड सिल्क. तीन क्लॉथ है, कॉटन का है, खादी का है एंड सिल्क का है. फर्स्ट वन 2015 May 1st sold to Janki store 100 meters cotton cloth at rupees 40 per meter, 200 meters khadi at rupees 20 per meter and 50 meters silk at rupees 200 per meter with 10% trade discount. Bill number 125, credit period is 3 months. हमने goods बेचा है, वो भी क्रेडिट पे सेल्स किया है, तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. तो यहाँ पे देखिए 2015 मंथ इज गिवन, मई पास्ट. किसको माल बेचा है हमने, सोल्ड टू जानकी स्टोर्स. तो यहाँ पे लिखेंगे जानकी स्टोर अकाउंट, जानकी स्टोर्स अकाउंट, स्टोर्स है तो स्टोर्स लिखिए. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीन चीज हमने बेची है, कॉटन, कितना कॉटन बेचा है देखिए, 100 मीटर्स कॉटन एट रुपीज 40 पर मीटर, तो 100 × 40 ये हो जाएगा 4000, इसमें से टीडी टैक्स डिस्काउंट हो जाएगा लेस 10% 400, यहाँ पे होगा 3600. तो कॉटन के सामने आपको लिखना है 3600, बाद में है खादी, कितनी है खादी, खादी में लिखा है कॉटन क्लॉथ एट रुपीज 200 मीटर्स खादी एट रुपीज 20 पर मीटर, तो 200 × 20 ये भी हो गया 4000, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 400, ये हो जाएगा अगेन 3600. तो यहाँ पे हम लिखेंगे खादी में अगेन 3600, बाद में दिया है आपको सिल्क, सिल्क कितना मीटर है, 50 मीटर सिल्क एट रुपीज 200 पर मीटर, तो यहाँ पे लिखूंगा 50 × 200 पर मीटर, ये है आपका सिल्क 5 × 10 = 10,000, इसमें भी 10% है ट्रेड डिस्काउंट यानी के 1000, ये हो जाएगा 9000. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9000, 16200. इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए 16200. नेक्स्ट वन, मई फर्स्ट के बाद दिया है आपको मई 8, क्या है मई 8 में देखिए, सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स 200 मीटर्स कॉटन क्लॉथ एट रुपीज 60 पर मीटर, 80 मीटर्स सिल्क एट रुपीज 190 पर मीटर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. Goods sold on 2 months credit. Bill number 126 and Gopi traders paid half the amount immediately in cash. Half transaction cash है, half transaction credit है. आपको क्या लिखना है, full transaction on credit. कौन सी date आपको दी है, date number है 8. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 को, किसको माल हमने बेचा है, Gopi traders. ये लिखेंगे Gopi ट्रेडर्स अकाउंट, वो भी ट्रेडर से या स्टोर से, ट्रेडर्स. सबसे पहले कॉटन कितना है, कॉटन 200, यहाँ पे देखिए कॉटन है 200 मीटर, पर मीटर चार्ज कितना दिया है एट रुपीज 60 पर मीटर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 66 × 12, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10% 1200, ये हो जाएगा 10,800. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,800 कॉटन के सामने, कॉटन के बाद क्या बेचा है, 80 मीटर सिल्क एट रुपीज 190 पर मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे सिल्क 80 मीटर × 190 पर मीटर, इसमें भी 10% आपको करना है लेस, अगेन माइनस 10% इज इक्वल टू प्राइस माइनस 10% डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 80 × 190 माइनस
10% ये हो जाएगा 13680, तो यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 13680, इसमें आपको प्लस करना है 10800, टोटल हो जाएगा 24480, बराबर है। यहाँ थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 10800, ये भी नीचे 13680, 24480, ये हो गया आपका 8th का ट्रांजेक्शन, 24480 बराबर। नेक्स्ट वन बाद में है 15th को, सोल्ड टू निसर्ग ट्रेडर्स कंपनी 100 मीटर खादी एट ₹50 पर मीटर, सॉरी 100 मीटर खादी एंड 50 मीटर सिल एट ₹40 एंड 200 पर मीटर रिस्पेक्टिवली। निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट बिल नंबर 127। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, तो आपको नीचे नोट लिखनी पड़ेगी, ऑन May 15 कैश ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। इसमें बिल नंबर है तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बिल नंबर है 125 और बाद में सेकंड ट्रांजेक्शन में बिल नंबर आपको दिया है 126। नेक्स्ट वन 15 के बाद 20th, प्रीति स्टोर प्लेस एंड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 40 मीटर खादी 60 मीटर कॉटन क्लॉथ एंड 100 मीटर सिल्क क्लॉथ, ये ऑर्डर मिला है तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा डेटेड 20th मे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगेन 22nd सप्लाइड गुड्स टू प्रीति स्टोर एज पर हर ऑर्डर अंडर बिल नंबर 128 एट ₹30 पर मीटर, 50 पर मीटर एंड 220 पर मीटर रिस्पेक्टिवली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है 27th का। 27th में हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो पहले आपको देखना पड़ेगा, क्या था? प्रीति स्टोर प्लेस एंड ऑर्डर, प्रीति स्टोर प्लेस एंड ऑर्डर फॉर सप्लाई 40 मीटर खादी, तो खादी है आपकी 40 मीटर, खादी के बाद दूसरा है एंड 60 मीटर कॉटन क्लॉथ, कॉटन है 60 मीटर एंड लास्ट में है सिल्क है 100 मीटर। अब देखिए रिस्पेक्टिव में रेट आपको दिया है, फर्स्ट वन बिल नंबर 128, अब 30 पर मीटर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है 30, बाद में है 50 एंड लास्ट में है 220 है, यस 220 पर मीटर, और सब में से आपको लेस करना है -10%, 10%, 10%, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कैलसी में आपको जो यहाँ पे लिखा है वो करना है 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 -10 और परसेंटेज की साइन बाद में प्रेस करेंगे तो हो जाएगा 1080, मगर ये खादी है 1080। इसको हमने बेचा है डेट, जब बेचा है तब 27th को आपको लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ पर्सन आपको 20th में नेम दिया है प्रीति स्टोर से कम, प्रीति स्टोर से कम, इनवॉइस नंबर बिल नंबर आपको दिया है, कहां पे दिया है बिल नंबर 128, बाद में कॉटन के लिए 60 × 50 -10%, ये हो जाएगा 2700 का आपका होगा कॉटन, एंड सिल्क के लिए 100 × 220 -10%, ये हो जाएगा 19800, तीनों का टोटल प्लस 1080 एंड प्लस 2700 टोटल 23580। नेक्स्ट वन इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको देखना पड़ेगा, है और दो तीन
अगेन सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी, देखिए इंपॉर्टेंट है, सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी, कॉटन क्लॉथ रुपीज 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अंडर बिल नंबर 129। तो ये भी आपको लिखना है 29th को, इसको हमने गुड्स बेचा है देसाई एंड कंपनी। देसाई एंड कंपनी अकाउंट कितना गुड्स बेचा है, इनवॉइस नंबर इज गिवन 129। कौन सा गुड्स बेचा है, कॉटन, तो कॉटन में आपको लिखना पड़ेगा 15,000 में से 10% आप लेस करेंगे, ये रहा 15,000 में से 10% लेस किया हुआ है मेरे पास, तो 13,500 लिखेंगे कॉटन में, बाकी दोनों जगह पे डैश, टोटल हो जाएगा 13,500। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन आगे लिखा है सोल्ड टू डीसीएम स्टोर खादी, क्या बेचा है आपने खादी गुड्स रुपीज 20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, सेंड बिल नंबर 130 आफ्टर एडिंग 13% जीएसटी। जीएसटी आपको कहां पे लिखना है, जीएसटी जर्नल प्रॉपर में होगा, ये कॉल्यूमनर सेल्स बुक में, क्योंकि ये गुड्स की कॉलम है, यदि यहाँ पे एक्सपेंस का कॉलम होता तो मैं जीएसटी यहाँ पे लिखता, एक्सपेंस का कॉलम नहीं है, इसलिए आपको ये जीएसटी कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में, तो आपको नीचे नोट लिखनी पड़ेगी। पहले मैं लिख देता हूँ 130 या था, इसको मैंने गुड्स बेचा है डीसीएम स्टॉक्स, डीसीएम स्टॉक्स अकाउंट, इनवॉइस नंबर इज गिवन नॉट 130, कितना गुड्स बेचा है 20,000 में से, ऐसा करना पड़ेगा 20,000 माइनस 5% यानी के हो जाएगा 19,000, सॉरी कॉटन नहीं है खादी बेचा है, यहाँ पे खादी में लिखेंगे 19,000, बाकी सभी जगह पे डैश, टोटल हो जाएगा 19,000। नीचे आपको नोट लिखनी पड़ेगी, ऑन 30th में जीएसटी, इट मीन सी जीएसटी एंड एस जीएसटी आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, बस हो गया। अब आपको करना है यहाँ पे टोटल, ये टोटल देखिए, फर्स्ट वन 3600 प्लस 10,800 प्लस 2700 प्लस 13,500, टोटल हो जाएगा 30,600। सेकंड में 3600 प्लस 1080 प्लस 19,000, टोटल हो जाएगा 23,680। नेक्स्ट एंड लास्ट में 9,000 प्लस 13,680 प्लस 19,800, ये टोटल होगा 42,480, इसमें ये दोनों ऐड करते हैं प्लस 23,680 एंड प्लस 30,600, टोटल हो जाएगा 96,760। देखते हैं 16,200 प्लस 24,480 प्लस 23,580 प्लस 13,500 प्लस 19,000, टोटल 96,760। यस हो गया ये टोटल, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। ये लेक्चर आपको दो बार देखना है, दो बार याद रखो, इसमें कोई यदि डाउट है तो मैं थर्सडे 10 to 12 स्कूल पे रहता हूँ, आपको जो भी डाउट है वहां पे आके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।